नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उनकी मां हीराबाद दिल्ली आई। मोदी ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबाद के साथ ट्विटर पर अपनी तस्वीरों को शेयर किया। इन तस्वीरों में मोदी मां के हाथों से पानी पी रहे हैं। पीएम मां को रेसकोर्स रोड का प्रधानमंत्री आवास दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, मेरी मां गुजरात लौट गई है। काफी लंबे वक्त के बाद मां के साथ अच्छा वक्त बिताया। मेरी मां पहली बार 7RCR आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की उम्र करीब 95 साल है। हीराबा अपने छोटे बेटे पंकज के परिवार के साथ गांधीनगर में रहती हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर गए थे। इसके अलावा भी आपको बता दें, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर भी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते कनु भाई गांधी और उनकी पत्नी दिल्ली में एक वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। 87 साल के कनु भाई गांधी और उनकी पत्नी शिवालक्ष्मी गांधी सरिता विहार के पास गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। दोनों का कोई बेटा नहीं है और भाई बहनों ने भी सहारा नहीं दिया, तो कनु भाई ने पत्नी के साथ वृद्धाश्रम का रुख किया, पहले गुजरात और फिर दिल्ली। करीब 1.5 साल से कनु भाई वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। गांधी जी के विचार आज भी उनके लिए आदर्श हैं। मैं कैसे लोगों को प्यार करूं और सब लोगों को सुखी करने की इच्छा मेरे में रखूं, और भगवान विल टेक केयर ऑफ माई नीड्स, जैसे आप लोग कर रहे हैं। दूसरे के बच्चों को एजुकेशन न भी मिले तो ठीक है, क्योंकि वो जो भविष्य के रूलर्स हैं वो मेरे बच्चे होंगे और दूसरों के बच्चे नहीं होंगे। तो ये विचार जो बापू के बहुत ही विरुद्ध है वो आज चल रहा है। आश्रम के लोग कनु भाई और उनकी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं। उनके कमरे में AC भी लगवाया गया है। कनु भाई गांधी महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास के 3 बच्चों में से एक है। महात्मा गांधी की हत्या के वक्त कनु भाई गांधी 17 साल के थे। पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन अमेरिकी राजदूत ने उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। 40 साल अमेरिका में रहने के बाद 2014 में कनु भाई 85 साल की पत्नी के साथ भारत लौटे। कनु भाई नासा के लेंसली रिसर्च सेंटर के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग में भी काम कर चुके हैं। और इस वक्त इसी खबर का असर नजर आ रहा है। अभी अभी खबर ही आ रही है कि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को गांधी जी के पोते का हाल जानने को कहा है। पीएम के निर्देश के बाद महेश शर्मा कनु भाई गांधी से मिलने दिल्ली के वृद्धाश्रम जाएंगे जहां पर वो हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे का। विशाल, और क्या डिटेल्स है? देखिए, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि महात्मा गांधी के जो परिवार के सदस्य हैं, पोते हैं, जो वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं और जी न्यूज लगातार इस खबर को चला रहा है, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिया। और महेश शर्मा जीवी भगत वृद्धा आश्रम में पहुंचने वाले हैं। वहां पर उनका हालचाल जानकर और उनकी मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट बनाकर महेश शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके क्योंकि इस पे लगातार जी न्यूज खबर चला रहा है और जी न्यूज की खबर का बड़ा असर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और महेश शर्मा खुद, जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है, खुद जाकर महात्मा गांधी के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। जी, और ये कब जा रहे हैं, इस बारे में कुछ आइटेनरी, कुछ खबर? देखिए सचिन, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से महेश शर्मा को जाने का निर्देश मिला है और जो हमारी बातचीत हुई केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से, वो अब से 10 से 15 मिनट के बीच जीवी भगत वृद्धा आश्रम में पहुंचने वाले हैं जहां पर महात्मा गांधी के परिवार है, क्योंकि अमेरिका से ये लोग आए और इस पर जी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा था किस तरीके से महात्मा गांधी के परिवार की अनदेखी हो रही है। तो ये खबर का असर, और अब से 10 से 15 मिनट के अंदर महेश शर्मा जीवी भगत वृद्धा आश्रम पहुंचने वाले हैं। अगली खबर का रुख करते हैं रोहित वामिला की खुदकुशी के बाद का आंदोलन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की साजिश था, ये दावा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन SFI के पूर्व छात्र नेता राजू कुमार साहू का। राजू कुमार साहू के मुताबिक रोहित वामिला के सुसाइड के बाद हैदराबाद से दिल्ली तक जो प्रदर्शन हुए उसका खर्च कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उठाया था। राजू कुमार का कहना है कि 4 महीने तक रोहित को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि SFI की राजनीति मौका परस्त हो गई थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक अपॉर्चुनिटी बन के आई कि रोहित वामिला के मौत में लोग राजनीति कर सके, तो उन लोगों ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। देश स्टूडेंट हितों के बारे में भूल गए वो लोग। BJP ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट की पोल खुल गई, कांग्रेस ने दावों को गलत बताया। जो लेफ्ट के लोग और जो कांग्रेस के लोग दूसरों को आईना दिखाने में लगे हुए थे, आज वक्त है कि वो खुद आईने में अपने असली चरित्र को, अपने असली चेहरे को देखें। भारतीय जनता पार्टी
में तमाम ऐसे लोग हैं जो इन सब कामों में लगे रहते हैं, इसलिए इस पर मैं नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। सम पॉइंट्स इन टाइम पीपल गो एस्ट्रे, बट दीज आर फार फ्यू एंड फार बिटवीन इन सो फार एज द लेफ्ट इज कंसर्न। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा शुरू हो गया। हैदराबाद और दिल्ली के साथ साथ देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए थे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस खुलासे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वामपंथियों और कांग्रेस की पोल खुल गई है। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर शक जताया जा रहा है। करीब 2 साल पहले बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिवान जेल में 22 लोगों की एक हिटलिस्ट जारी की गई थी। सिवान जेल में ही पूर्व सांसद शहाबुद्दीन बंद है। कहा जा रहा है कि 22 लोगों के हिटलिस्ट में पत्रकार राजदेव रंजन 12वें नंबर पर थे। पुलिस ने राजदेव की हत्या में जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से उपेंद्र सिंह बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का शार्पशूटर है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र ने कुछ दिन पहले राजदेव को धमकी दी थी। तो हम लोग छोड़ किसी भी वजह को नहीं रहे हैं, परंतु जो हमने एक खाका तैयार किया था अनुसंधान का, घटना को देखते हुए जिस तरह की घटना हुई है उस पर मुख्य रूप से कार्य हो रहा है। राजदेव की हत्या के विरोध में बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी और राजदेव के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। हम सब लोगों की मांग है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये किस एजेंसी ने उनको कह दिया? अभी तो जांच चल रही है, यानी कोई भी किसी का भी इस तरह नाम लेना ये बहुत गैर जिम्मेदार है। एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या शुक्रवार शाम की गई थी। 45 साल के पत्रकार राजदेव रंजन सिवान के अपराधियों और दबंगों के खिलाफ लंबे समय से लिख रहे थे। राजदेव रंजन को कई बार धमकी मिल चुकी थी, कई बार उनसे बदसलूकी भी हुई थी। 2003 में पटना में कुणाल कुमार नाम के जिस पत्रकार की हत्या हुई थी उसके पीछे भी शहाबुद्दीन का हाथ होने का खुलासा हुआ है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, इससे बेपरवाह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप मौज मस्ती में डूबे। बिहार के बेटा में वाटर पार्क में स्विमिंग कर रहे ये है स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, साथ में मौजूद हैं तेज प्रताप यादव के कुछ दोस्त। तेज प्रताप करीब 2 घंटे तक वाटर पार्क में इसी तरह मस्ती करते रहे। तेज प्रताप अपनी सरकारी गाड़ी से वाटर पार्क गए। वाटर पार्क जाने से पहले तेज प्रताप ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को विपक्ष की साजिश बताया था। हमको तो जहां से लग रहा है कि विरोधियों का इसमें चाल है सरकार को महागठबंधन को बदनाम करने के लिए। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ से आरजेडी विधायक हैं। 12वीं पास तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में आने से पहले तेज प्रताप औरंगाबाद में बाइक एजेंसी चलाते थे। आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेते वक्त तेज प्रताप शपथ पत्र भी ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। उन्होंने अपेक्षित की जगह उपेक्षित बोल दिया। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें ठीक किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश के फिदायीन दस्ते के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से आधार कार्ड मिलने पर सवाल उठ गए। अब्दुल रहमान को शुक्रवार शाम बारामूला के हाजीबल से सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गिरफ्तार किया। रहमान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है। जनवरी में रहमान ने 4 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। रहमान ने जम्मू कश्मीर में अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था जिसमें उसका नाम शबीर अहमद खान लिखा है। अब्दुल रहमान जो है इसको जिम्मेवारी सौंपी गई थी बारामूला सोपोर और इसके आसपास के इलाकों में जेईएम के लिए रिक्रूटमेंट करना। इनका ओवरऑल एम या मकसद था बड़े फिदायीन हमलों को सरंजाम देना। 2015 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की 121 कोशिशें हुई। 33 बार आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे। 2015 में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 46 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। 2014 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की 222 कोशिशें हुई। 65 बार आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे। 2014 में घुसपैठ की कोशिशों के दौरान 52 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों से मारे गए। पुलिस फिलहाल इस बात का पता लगा रही है कि आतंकी को आधार कार्ड कहां से जारी किया गया था। आधार कार्ड जाली भी हो सकता है। आज यूपी बोर्ड के नतीजे आ गए, लड़कियों ने कमाल कर दिया। 10वीं और 12वीं के नतीजों में सिर्फ लड़कियों का ही बोलबाला है। टॉप 5 की लिस्ट में सिर्फ लड़कियां हैं। बाराबंकी की साक्षी वर्मा ने 98.20% के साथ 12वीं में टॉप किया। रायबरेली की सौम्या पटेल ने 98.67% के साथ 10वीं में टॉप किया। 12वीं में कुल 87.99% स्टूडेंट्स पास हुए। 12वीं में 92.28% छात्राएं पास हुई।
जबकि 84.82% छात्र पास हुए। दसवीं में कुल 87.66% स्टूडेंट्स पास हुए। दसवीं में 91.11% छात्राएं पास रही जबकि 84.82% छात्र पास रहे। हम सब लड़कियों को कहना चाहते हैं कि वो पढ़ें और इस देश में कुछ करके दिखाएं। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड बताया जाता है। इस बार 8 जेलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां 279 कैदियों ने इम्तिहान दिया। मानसून के आने में इस बार फिर से 6 दिनों की देरी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस साल 7 जून तक मानसून के केरल आने का पूर्वानुमान बताया है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के तट पर आ जाता है लेकिन इस बार मानसून 6 दिन देर से आएगा। इसमें 4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। केरल में मानसून के देर से आने की वजह से देश के दूसरे राज्यों में भी मानसून देर से आएगा। अमूमन केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है लेकिन इस साल इसमें थोड़ी देरी होगी और ये लगभग 7 जून के आसपास आएगा। बंगाल खाड़ी की तरफ मानसून नॉर्मल या सही समय पे आ रहा है और अंडमान निकोबार में भी मानसून सही समय में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। प्राइवेट कंपनी स्काईमेट के मुताबिक मानसून 28 से 30 मई के बीच केरल पहुंचेगा।